वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये मंत्रोच्चारण शंख की तन के रोम रोम में एक नई ऊर्जा भर देने वाली ध्वनि, तालियों की गड़गड़ाहट और ये भगवा ध्वज, ये सभी इस बात का प्रतीक हैं कि जिस हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को जिहादी और कट्टरपन मानसिकता वाले लोगों ने मानने से ही इनकार कर दिया था और जिसको मिटाने के लिए ना जाने कितनी ताकतों ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया, वो आज फल फूल रहा है और ऐसे आगे बढ़ रहा है जिससे सिर्फ हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व तर जाए। मोहन भागवत के अखंड भारत वाले सपने को पूरा करने की ओर बढ़ती हैं तस्वीरें ये बयां करती हैं कि सनातन संस्कृति को ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही मिटाया। ये मंत्रोच्चारण और शंखनाद उस जम्मू कश्मीर में हो रहा है जो माँ भारती के शीश का मुकुट है, जिसकी सुंदरता और अमोल घाटियों की रौनक पर ना जाने कितनों की बुरी नजर थी, जिसके एक हिस्से को वो पाकिस्तान दबाए बैठा है, जिसके वजीर आजम को मुस्लिम देशों में ही चोर कहकर बुलाते हैं और जो चीन के टुकड़ों पर पल रहा है। लेकिन अब इन मंत्रों की आवाज हर उस पाकिस्तानी के कानों में गूंज रही होंगी जो भारत की ओर बुरी नजर से देखते हैं और उन आस्तीन के सांपों के कानों में भी जो खाते तो भारत का है लेकिन गाते बजाते पाकिस्तान की है। हनुमान चालीसा का ये पाठ और मंत्र उच्चारण के साथ की गई ये पूजा अर्चना जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मारतंड मंदिर में हुई है। ये वही मंदिर है जहां कभी अपने ही घर से बेदखल किए गए हजारों कश्मीरी पंडित पूजा करने पहुंचते थे, जिसे बॉलीवुड गैंग ने फिल्म हैदर में शैतान का घर बता दिया था। कहा यह भी जाता है कि 8वीं शताब्दी के इस मंदिर को सिकंदर शाह मीर के शासन के दौरान 1389 और 1413 के बीच नष्ट कर दिया गया था। अब उसी मंदिर में शुक्रवार सुबह 100 से अधिक तीर्थयात्रियों ने कुछ घंटों तक पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम के जरिए सूर्य मंदिर में पहली बार शंकराचार्य जयंती मनाई गई। जिला प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में तीर्थयात्री हिंदू धर्मग्रंथों का पाठ करते हुए प्राचीन मंदिर के खंडरों के बीच एक पत्थर के मंच पर बैठ गए और हनुमान चालीसा के साथ शंख बजाते हुए हर हर महादेव के नारे भी गूंजने लगे। इसी के साथ वहां मौजूद संतों में से एक ने कहा, आज आदि गुरु शंकराचार्य के आशीर्वाद से हम यहां सैकड़ों पुराने मंदिर मारतंड मंदिर में आए हैं। मैं कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और PM नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि ज्ञान परंपरा के सबसे प्रधान देवी जो है माँ शारदा, उनके पीठ शारदा पीठ को जो POK में है वहां तक जाने का मार्ग खोला जाए ताकि हम लोग वहां जाके दर्शन कर सकें और जो भी मंदिर टूटे हैं उनका फिर से निर्माण कराया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कश्मीर के राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि आप लोग अभी प्रशासन में हैं, आप लोग सरकारी अथॉरिटी हैं, आप लोगों से निवेदन है और यहाँ सब जनता से भी ये एक निवेदन है कि ज्ञान परंपरा की सबसे जो प्रधान देवी है माँ शारदा, तो शारदा पीठ हमारा POK में जो है, हम हिंदू सनातन संस्कृति के फॉलोअर्स या किसी भी जाति संप्रदाय के लोगों को वहां तक जाने के लिए मार्ग खोला जाए, हम लोग वहां दर्शन कर सकें, माँ के दर्शन कर सकें, पूजन कर सकें और ये जो भी मंदिर टूट गए हैं इनका पुनर्निर्माण होकर के इनमें भी पूजन परंपरा चालू हो जाए। जैसे आज हमको यहाँ पूजन करने में थोड़ी समस्या आई क्योंकि यहाँ पर कानून प्रशासन की प्रबंध रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन मंदिरों को पुनर्स्थापित किया जाए और हमारी संस्कृति इसके माध्यम से फले फूले पोषित हो। जय जय श्री महाकाल। आरती का ये शीर्ष भाग बार बार समय समय पर इस पर चोट लगाई गई तो एक तरीके से ये एक हेमरेज का कंडीशन बना, कोमा में आ गया। हमारा भारत जीवित है, हमारी संस्कृति जीवित है, लेकिन आतंकवाद ने इसको क्या किया, चोट लगा लगा करके धीरे धीरे करके आज जीवित है माँ लेकिन एक कोमा की स्टेट में है। तो हम ये चाहते हैं जब कोमा में व्यक्ति होता है तो उसका हार्ट बीट करता रहता है,
तो हम जहाँ से आए राष्ट्रीय अनंत महायोग पीठ, हमारा जो आश्रम है वो माँ भारती के हार्ट चक्र में है, हृदय चक्र में। हम हृदय से आए हैं इस शीश में प्रणाम करते हुए, और फिर हम पुनः माँ के चरणों में जाएंगे, और ये बार बार हम चरण और सर तक की यात्रा करते रहेंगे। और यात्रा ही आदिगुरु शंकराचार्य ने सिखाई थी, हम लोग यात्रा कर करके सबको जागृत करेंगे, यही हमारा संकल्प है। जय जय श्री महाकाल। आपको बता दें कि शारदा पीठ देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में शारदा के पास नीलम नदी के किनारे है, जहां पूजा अर्चना के लिए साधु संत अब जाना चाहते हैं। अब इन मंत्रोच्चारण से पाकिस्तानियों के कान भी खुल गए होंगे, और यह हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने भी सुन लिया होगा जो अपने जिहाद से भारत पर बार बार वार करते हैं, और उन्हें अब समझ आ गया होगा कि उन जैसे पिशाचों के लिए हमारी सेना के साथ खुद महाबली हनुमान और महादेव अब खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज़।